ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूका। मनासा निमिषण आगे पर अखिल भारतीय के महामंत्री व प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की भाजपा में शामिल होने पर पूरे प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सिंधिया के प्रति आक्रोश व्याप्त है। उक्त आक्रोश का नजारा निमिषणाका पर देखने को मिला, जहां पर शाम 5 बजे आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवक कांग्रेस के नेतृत्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूंकते हुए सिंधिया को गद्दार है गद्दार है व सिंधिया के दलालों के जूते मारो सालों को व जय जय कमलनाथ व कांग्रेस जिंदाबाद उमराव सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पुतले को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जूते से पीटते हुए जमीन पर पटक पटक कर मारा और घास फूस के पुतले पर सिंधिया का बैनर वाला फोटो लगा रखा था। इस अवसर पर जिला कांग्रेस महामंत्री दीपक गहलोत, जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष मोहन गुर्जर, सुरेश धनगर, मंगल पाटीदार, गुलाम अब्बास बोहरा, मोनू पराशा, युवा नेता ललित पाटीदार, मनीष लक्षकार, अयूब कबाड़ी, महेश पाटीदार, प्रमोद सोनी, अरुण आर्य, इमरान पर्दा आदि कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। रिपोर्ट अमित राठौर, मनासा। सुना होगा, पढ़ा होगा, क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो गवाह है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भी इसी परिवार के कुछ गद्दारों ने मिलकर जो हमें 57 में आजादी मिल जाती उसको आगे बढ़ाया था। और आज भी जब कमलनाथ जी किसानों के हित में, युवाओं के हित में, व्यापारियों के हित में और पूरे प्रदेश में सभी वर्गों के हित में काम कर रहे हैं, तो ऐसे समय में इस गद्दार ने, गद्दार परिवार ने फिर से गद्दारी करी है। और निश्चित रूप से इस प्रदेश की जनता कमलनाथ जी से खुश है और आने वाले समय में जिन गद्दारों ने हमारी सरकार से गद्दारी की है उनको इस प्रदेश की जनता समझ चुकी है और इसको आने वाले समय में मुंहतोड़ जवाब देगी। धन्यवाद। कांग्रेस में एक ये कोरोना वायरस पनप रहा था जिसकी वजह से बहुत बड़ी गुटबाजी थी, आज हमने उस कोरोना वायरस को जला दिया है।